अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। तो आज की वीडियो है वेरी वेरी स्पेशल, और ये सारे ड्रेसेस जो हैं मेरे हैं, निशात के और केएसटी के। तो इस वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। स्टिचिंग आइडियाज़ है, आप लोग भी अपने ड्रेसेस को इसी तरह से स्टिच करवा सकते हैं। बहुत ही एलिगेंट एंड सिंपल स्टिचिंग है। अच्छा, फर्स्ट जो ड्रेस है ना, ये टू पीस था केएसटी का, और मैंने स्टिच करवाया अभी, इनकी न्यू कलेक्शन में से ही था। तो इस पे सेल भी थी, आप लोगों ने ज़रूर मेरे शॉपिंग हॉल में भी देखा होगा। सबसे इसकी खूबसूरत चीज़ जो है वो इसका कलर है, एंड देन जो है वो इसके ऊपर मिरर वर्क एंड ब्लैक एम्ब्रॉयडरी है। वेरी एलिगेंट लुक है इसकी, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा इसका कलर एक तो प्यारा है इसका, और सेकंड जो है वो इस पे जो मुझे एम्ब्रॉयडरी बड़ी पसंद आई है। तो मुझे फर्स्ट लुक में ड्रेस अच्छा लगा, तो मैंने अच्छा मैंने सिंपल सा इसको स्टिच करवाया। और सबसे आप लोगों का जो मोस्ट फेवरेट है सनफ्लावर वाला, वो भी स्टिच करवाया, वो भी देखेगा, टाई एंड डाई वाला भी, वो भी अच्छा। लेसिंग मैंने यहाँ पर इसके लगाई है चॉक्स के ऊपर चारों साइड्स पे, ठीक है। ये आप देखिएगा, ये इस तरह से बिल्कुल छोटी सी ब्लैक कलर की ये है जी। इसके ऊपर लेस बाजुओं के ऊपर भी इसी तरह से लगाई है, ये देखें, ठीक है। ये इस तरह से इसकी मेन लुक आ रही है। और अब हम आ जाते हैं इसकी, फुल सिंपल सा है। वैसे मैंने ये इसकी लेंथ 40 रखवाई है, और थोड़ा सा इसको ना कुर्ता स्टाइल में स्टिच करवाया है, थोड़ा ज़्यादा टाइट नहीं, मतलब कुर्ता स्टाइल है। अच्छा, इसके साथ मैंने तकरीबन 11 इंचेस का ट्राउज़र, स्ट्रेट ट्राउज़र बनवाया, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा लगता है, और ये इस तरह से इसकी बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये, ठीक है। ये काफ़ी इसके साथ अच्छा भी लग रहा है, और लुक वाइज भी बहुत अच्छी। मैंने इसके साथ कलर जो है ना वो डाई करवाया। अच्छा, यहाँ पर ना आपको थोड़ा शेड डिफरेंट नज़र आ रहा है, बट एग्जैक्ट शेड है ये। मैंने बताया ना, ये ड्रेस ऐसा है, पता नहीं क्यों इसका शेड जो है वो क्यों चेंज होता है, बट यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर से लिया था 50% ऑफ पे, ठीक है। दुपट्टे का कलर आप लोगों ने बिल्कुल इसको है, लेकिन यहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से चेंज आ रहा है। बाकी इस पे चारों साइड पे ब्लैक कलर की लेस लगाई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है, बहुत ही हिट कोड, मेरी ब्यूटीफुल कलर स्कीम है, कच्चा पीला इसका कलर है। पर्सनली भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो इसका येलो कलर है, ठीक है, उसके ऊपर मल्टी कम्बिनेशन है, पहना हुआ बड़ा अच्छा। मैंने इसको किस तरह से किया, ये इसके एंकर के धागे से मैंने 3 लाइंस लगवाई हैं। पहले भी मैंने ये इसी तरह से एक क्लाइंट का स्टिच करवाया था, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ मैंने पाइपिंग, ठीक है, की है। और जो नेक लाइन है वहाँ पे भी पाइपिंग है, मैं यही वाले ज़्यादा जो है नेक लाइन पहनती हूँ। अच्छा जी, इसके साथ आप लोग इसकी लुक देखिएगा स्लीव्स की, ठीक है। तरपाई बल्कि मैंने सारे चारों साइड्स पे करवाई है, ठीक है। लॉन्ग शर्ट है ये भी, तकरीबन 42-43, ठीक है। इसकी लुक देखिएगा, ये इस तरह से है। बाकी मैंने पलटा लगवा के ना इसको तरपाई करवाई है। अच्छा, आप यहाँ पर इसमें लेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक सो ये इतना ज़्यादा गिचमिच वाला डिज़ाइन है ना, तो इसको ओवर मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। जो भी आप लोग स्टिच करवाएं ना, वेरी डिसेंट सा स्टिच करवाएं। और ट्राउज़र पे मैं इस तरह से जो है वो मल्टी कलर्स की लगाएंगे। ये पहना हुआ देखिएगा कैसा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये कलर जो है ना वो कच्चा पीला है, लाइट येलो टोन के साथ है। और जी, इसका दुपट्टा तो हसीन तरीन इसका दुपट्टा है। बाकी मैंने इसके चारों साइड्स पे इस तरह से ये जो चाइना पीको होती है ना, मल्टी कम्बिनेशन के साथ वो करवा लिया। बस सिंपल सा इसको रखवाया है, ज़्यादा मैं इसको ओवर करना भी नहीं चाह रही थी, ठीक है, क्योंकि ये ओवर अच्छा भी नहीं लगना, इसमें इतने ज़्यादा कलर्स हैं। द नेक्स्ट वन जो है बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल इज़ फ्राम निशात लीलन। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूँ, ये लास्ट ईयर का एक आर्टिकल था इनका, ये बड़ा हिट कोट था। इसमें जो शर्ट है ना, ये लाइनिंग में थी, ठीक है। तो मुझे शर्ट नहीं मिली थी, ट्राउज़र मैंने दो करके ना, तो ये वाला कपड़ा लेके इससे इसकी डिज़ाइनिंग ला लिए, बना लिए। और दुपट्टा भी आप इसकी डिज़ाइनिंग देखिएगा किस तरह से मैंने इसको बनवाया। कलर ये मुंगिया कलर है, ठीक है, ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से दिखा दूँ, नॉट ब्लैक कम्बाइन। मैंने इस तरह से पिंटेक्स बना के, और इसमें दो कट्स फ्रंट से इस तरह से कट्स रखवाए हैं, ठीक है। और बाकी मैंने इसको लाइंस के साथ जिगजैग वाली जो ब्लैक एंड वाइट कम्बिनेशन की है, ये कपड़ा लेके साथ नीचे लेस लगाई। आप लोग भी इस तरह से सिंपल ड्रेस को भी बनवा सकती हैं, और सेकंड जो है कोई प्रिंटेड पे भी इस तरह से बनवा सकती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा ये कम्बिनेशन है, और ये बड़ा प्यारा सा सूट था,
सिर्फ उसकी शर्ट नहीं मिली थी, तो मैंने दुपट्टा भी मिल गया था। तो मैंने इस तरह से जो इसको कि मुझे दुपट्टा बहुत पसंद था इसका, ठीक है। तो इसके मेन लुक का भी आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से पिनटेक्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, वेरी डिसेंट कम्बिनेशन है। देखिए ये भी मेरा अपना ही है, मैंने बस राउंड इसका नेक बनवाया, पिनटेक्स इस तरह से जिगजैग बना लिए हैं और फ्रंट पे, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसका ट्राउज़र बनवाया है, आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे से आइडिया हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह ये पाइपिंग की है इसी कपड़े की, स्लीव्स पे भी मैंने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। इसी तरह से ये जो कपड़ा डाल के ना, और साइड्स पे जो है पिंडेक्स और बाजुओं पे आगे जो है वो लेस लगा दी है। दुपट्टा आप इसका देख लें, दुपट्टे पे मैंने कुछ नहीं करवाया, जो इसके पल्लू है वहाँ पे लेस लगा दी है, और बाकी जो है वो इसको कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। ये इस तरह से ये लेस है इसी कलर में, ठीक है, मुंगिया ग्रीन कलर है। ज़रूर आप लोगों ने बताना ये कैसा लग रहा है, ठीक है। ये इस तरह से फ्रंट पे ये आएगा, ठीक है, पहना हुआ बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर जो द नेक्स्ट वन जो है लास्ट वन, बहुत ही आप लोग की जो है वो फरमाइश थी कि इस ड्रेस की स्टिचिंग ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो इस ड्रेस की स्टिचिंग भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो आप लोगों ने वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी जो है वो राय दीजिएगा। अच्छा, किस तरह से स्टिच करवाया, डबल पट्टी करके, ये जो ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर था ये इसके साथ ही था, ठीक है। राउंड नेक की है, बस मैं सिंपल राउंड नेक की पहनती हूँ। स्लीव्स पे इस तरह से मैंने जॉइंट लेस लगा के और पिनटेक्स बनाए हैं, ठीक है। आगे से ये ब्लैक एंड वाइट वाली पट्टी जो है वो लगाई, और ये लेस देख लीजिएगा, बिल्कुल लाइट वेट सी मिल्की लेस है, ये मैंने आगे फ्रंट पे लगाई है, ठीक है। और बाकी इसके दामन के ऊपर भी इसी तरह से किया है, बाकी मैंने पलटा करवाया, कोई पाइपिंग वगैरह इस पर प्लीज़ नहीं करवाइएगा, पलटा करवाए। लॉन का ड्रेस है, इतना ज़्यादा उसको हैवी मत कीजिएगा। एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस हो ना, उसके आप ऊपर आप हमेशा पाइपिंग करवा लें, लेकिन जो प्लेन वाले होते हैं उस पर बस पलटा करवाएं, अच्छा लगता है। ये देखिए, बस सिंपल सा पलटा करवाया, और दामन पे भी आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। पहना हुआ बहुत प्यारा ये ड्रेस लगेगा, ठीक है। एक तो वाइट टोन है, अच्छा वाइट टोन नहीं है, स्लेटी सा कलर है, ग्रे स्टोन के साथ है। बाकी मैंने इसके साथ जो ट्राउज़र है जो कैप्री स्टाइल के साथ है वो बनाई है, ठीक है। ये आप लोग देख लें, इस तरह से है ये, ठीक है। बीच में जॉइंट लेस और पिनटेक्स है। ये हो गई इसकी मेन लुक, और सनफ्लावर बड़े प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है कि उसका दुपट्टा तो बहुत ही ज़्यादा हसीन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके दुपट्टे के चारों साइड्स के ऊपर, ठीक है, ये चारों साइड्स पे ये लेस लगा दिया, और ये ब्लैक एंड वाइट कम्बिनेशन है। तो वाइट टोन जो है वो समर में बहुत अच्छी लगती है। इस ड्रेस को काफ़ी लोगों ने मेरे थ्रू बाय किया है, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शेयर कीजिएगा।